नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आज 11 फरवरी को हमारे दैनिक ग्लोबल हेराल्ड को 8 वर्ष और ग्लोबल हेराल्ड न्यूज वेब टीवी को 2 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी उपलक्ष में हमारे तमाम दर्शकों को उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आपका प्यार और विश्वास हमारे साथ हमेशा बना रहे। इसी के साथ आइए नजर डालते हैं अभी की ताज़ा खबरों की ओर। टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल 11 का ग्रैंड फिनाले अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नहीं होगा बल्कि सितारों की नगरी मुंबई में ही होगा। इसके पीछे कारण ये है कि एमपी टूरिज्म विभाग के पास प्रपोजल लेटर का देरी से पहुंचना, ऐसे में इतने कम समय में यहां तैयारी कर पाना संभव नहीं है। अब ये कार्यक्रम मुंबई में ही शूट होगा। दरअसल इंडियन आइडल 11 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन 20 फरवरी को भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में होना था। इसमें फाइनल में 15 प्रतियोगियों के साथ शो के जज हिमेश रेशमिया, म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी और सिंगर नेहा कक्कड़ भी शामिल होने वाले थे। इस प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके लिए इंडियन आइडल की टेक्निकल टीम ने टीटी नगर स्टेडियम में रैंकी भी की, लेकिन टीम को यह जगह पसंद नहीं आई और उसने टूरिज्म के एमडी फैज अहमद किदवई को पत्र लिखकर कहा कि इतने कम समय में इस जगह व्यवस्था कर पाना संभव नहीं होगा। अब ये कार्यक्रम मुंबई में ही शूट होगा। चैनल ने भोपाल में शूटिंग करने का प्रपोजल बहुत लेट भेजा था। इतने शॉर्ट नोटिस पर कार्यक्रम टीटी नगर स्टेडियम में कर पाने में दिक्कत थी। प्रस्ताव अगर समय पर आ जाता तो बेहतर तरीके से तैयारी कर पाते। अभी की खबरों फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।